नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सपना मद्देशिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। प्रजापति ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा झज्जर रोड स्थित स्कॉलर ग्लोबल स्कूल में रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल पूनम सक्सेना, ब्रह्मा कुमारी बहनों, स्कूल के स्टाफ और विद्यार्थियों ने मिलकर इस पावन पर्व को मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत में स्कूल की प्रिंसिपल पूनम सक्सेना ने ब्रह्मा कुमारी संगठन की सराहना करते हुए कहा कि ब्रह्मा कुमारी जिस तरह से छोटे छोटे विद्यार्थियों में मूल्य आधारित ज्ञान और दिव्य गुणों की जानकारी देकर उनके भविष्य को सुंदर बनाने का कार्य कर रही है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। ये पहल न केवल बच्चों के नैतिक विकास में सहायक है बल्कि उन्हें एक बेहतर नागरिक बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद ब्रह्मा कुमारी अंजलि दीदी ने विद्यार्थियों को रक्षाबंधन का दिव्य संदेश दिया और इस पर्व के महत्व को भी समझाया। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन केवल एक धागे का बंधन नहीं है बल्कि आत्मिक सुरक्षा और शुद्धता का प्रतीक है। उन्होंने बच्चों को ये भी बताया कि कैसे हम इस पवित्र त्यौहार के माध्यम से अपने जीवन में सकारात्मकता और आत्मसंयम को बढ़ा सकते हैं। अंजलि दीदी ने बच्चों को रोजगार राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया जिसमें उन्होंने ध्यान केंद्रित करने और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने के उपाय बताए। उन्होंने बच्चों को बताया कि कैसे नियमित ध्यान से कंसंट्रेशन बढ़ाया जा सकता है और अध्ययन में बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी बहनों ने स्कूल के समस्त स्टाफ को राखी बांधकर इस पर्व का महत्व समझाया।